हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज हम लोग बात करेंगे फाइनल ईयर के एग्जाम से रिलेटेड। ये एग्जाम कब होगी, कैसे होगी और कहाँ होगी, घर से होगी, घर के बाहर से होगी, ऑनलाइन होगी, किस तरह से होगी, क्योंकि बहुत सारे डाउट है बच्चों के मन में कि ये एग्जाम कैसे होगी। पहली बात तो यहाँ पे ये थी कि एग्जाम, जैसे कि आप सबको पता है, अप्रैल मई में जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले थे वहाँ पे कोविड-19 के चलते ये एग्जाम वहाँ से कैंसिल की थी। और अपना जो स्टेट बोर्ड है उनका तो क्लियरली यही डिसीजन था कि फाइनल ईयर की एग्जाम ना हो जाए, लेकिन यूजीसी बीच में आ गए और यूजीसी वालों को तो पता नहीं क्या हुआ था, उनको तो एग्जाम लेनी ही थी, उन्होंने तो डिसाइड ही करके रखा था कि एग्जाम होनी चाहिए। तो चलो, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन सुना ही दिया फाइनली उनके फेवर में कि आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है। अभी सबका पॉइंट ये है कि एग्जाम होगी तो किस तरह से होगी, क्योंकि अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, कोविड-19 की सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। तो अभी सवाल ये है कि एग्जाम किस तरह से होगी और क्या होगी। इससे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुना है कि फाइनल ईयर की एग्जाम होनी चाहिए, उसके बाद हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उदय सामंत जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे एफर्ट किए हैं। मतलब बहुत दिनों से उनका बहुत मीटिंग वगैरह चालू है, जो अपने वाइस चांसलर से अलग अलग यूनिवर्सिटी 13 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स रहेंगे, या अपने जो राज्यपाल है उनके साथ ये मीटिंग चालू है। और ये सब मीटिंग वगैरह होने के बाद आज एक फाइनली उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है कि किस तरह से ये एग्जाम होगी और क्या होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे इन डिटेल में कि ये एग्जाम क्या होगी, किस तरह से होगी, आपको एग्जाम देते वक्त क्या क्या पॉइंट्स के तरफ ध्यान देने का, एग्जाम का पैटर्न किस तरह से किया है, और इस सब के बीच में आपको इसका क्या बेनिफिट होने वाला है या आपका इसमें क्या लॉस होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट, करियर रिलेटेड वीडियो यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये अपना एग्जाम पैटर्न। उसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बोर्ड में जो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं उसके थ्रू आपको बता देता हूं। तो देखते हैं, ये आ गए आपके पॉइंट्स। तो ये देखिए, इस पॉइंट्स के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा कि पहली बात तो एग्जाम डेट कब है, मतलब कब से ये एग्जाम हो सकती है, इसके बारे में क्या कहा गया है। देन एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्वियसली यही एक बड़ा सवाल है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से पैटर्न में, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि ओपन बुक रहेगा या आपका ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा या उसके साथ असाइनमेंट बेस्ड रहेगा, बहुत अलग अलग पैटर्न के बारे में बात किया गया था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन उसके साथ साथ ऑब्वियसली एग्जाम ले रहे तो रिजल्ट देंगे और कब देंगे, क्योंकि अगर इतना एग्जाम डिले पहले से ही चल रहा है तो ये एग्जाम होके बाद में रिजल्ट कितना मिलेगा, और फिर फर्दर एडमिशन जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा या बाकी एडमिशन रहेगा प्रोसेस, उसको क्या करने का, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम डेट के रिलेटेड क्या कहना है उनका। तो पहली बात यहां पर निकल कर आ रही है कि आपका जो एग्जाम है उसका दो पैटर्न में डिवाइडेशन कर दिया है, जिसमें आपका एक रहेगा ओरल एग्जाम और एक रहेगा रिटन एग्जाम, रिटन बोल सकते हैं हम लोग उसे। तो ओरल और रिटन एग्जाम जो है इसमें आप लोग इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा भी बोल सकते हैं। जो इंटरनल एग्जाम है आपके, वो आपके 15 सितंबर के बाद चालू करने का सोचा जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद आपको ये जो इंटरनल एग्जाम है, वाइवा वगैरह जो रहेगा, असाइनमेंट रहेगा, जो कुछ है इंटरनल डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, उसके हिसाब से यहाँ पे ये भी बात निकल कर आई है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा फाइनली। सबके लिए अलग अलग पैटर्न रह भी सकता है अलग यूनिवर्सिटी वाइज, लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी इंटरनल एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, आपको असाइनमेंट दिया जाए या वाइवा वगैरह जो कुछ है, 1-to-1 वाइवा वगैरह भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, जो इंटरनल एग्जाम है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और जो रिटर्न एग्जाम है वो अक्टूबर में स्टार्ट होने का चांसेस है, मतलब 1st of October से लेके आगे ये रिटर्न एग्जाम होगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि आपका एग्जाम का डेट क्या रह सकता है। एक डेट है आपका जो इंटरनल का, जो 15 सितंबर के बाद रहेगा, एंड देन दूसरा है रिटर्न जिसे बोल सकते हैं, या बाकी जो पैटर्न आएगा उसके हिसाब से वो जो डेट है वो अक्टूबर में रहेगा। तो पहली बात आपको क्लियर होगी, तो ये रहेगा आपके एग्जाम के डेट। अभी हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगे या ऑनलाइन रहेगी या उसके साथ साथ असाइनमेंट रहेगी, ओपन बुक रहेगी, इसके अलग अलग पॉइंट के ऊपर बहुत डिस्कशन चालू है पिछले 4-5 दिनों से, बहुत सारे आप लोग ने वीडियोस भी देखे रहेंगे अलग अलग चैनल्स पे। तो ये इसमें बहुत सारा डिस्कशन चालू है कि एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम पैटर्न कुछ नए तरीके से आ रहा है सामने। तो यहाँ पे पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि दो तरीके में है, इंटरनल जो है वो 50 मार्क्स में डिवाइड कर दिया है और जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो 50 मार्क्स का एग्जाम है वो शायद एमसीक्यू में लेने की सोच रहे हैं, जिसमें आपको 60 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे जिसे हम लोग बोल सकते हैं,
एमसीक्यू आपके पास 60 एमसीक्यू रहेंगे और उसमें से आपको कितने 50 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के हैं और आपको 50 मार्क्स में से जो कुछ मार्क्स मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात निकल कर आ रही है कि यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का एमसीक्यू आपको अटेंड करने का है, तो एमसीक्यू के बारे में सोचा जा रहा है। देन दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसका जो ड्यूरेशन है 1 आवर का रहेगा, मतलब 1 आवर में आप लोग एग्जाम दे सकते हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 आवर में 50 एमसीक्यू रहेंगे वो आपको लिखने के है। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है। अभी सवाल है कि एग्जाम होगी कैसे, मतलब एग्जाम घर पे बैठे लिखे या आपको सेंटर में जाने का है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसका क्लियर इंडिकेशन है। कहाँ तो ये एग्जाम ऑनलाइन होने के बारे में सोच रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, मतलब आप लोग घर पे बैठ के क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम लिख सकते हो। अभी सवाल आ जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम सर ले रहे हैं तो फिर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसके बारे में क्या सोल्यूशन दिया है, उसके बारे में भी सोल्यूशन दिया है अभी बता देता हूँ आप लोग को। देखिए जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, पहला प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पीसी वगैरह रहेगा, लैपटॉप वगैरह रहेगा, ये सब चीज़ें नहीं रहती तो क्या हो सकता है। दूसरा, इंटरनेट नहीं है तो क्या हो सकता है, तो ये भी एक सवाल है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्या रहेगा, पीसी लैपटॉप मोबाइल नहीं है तो क्या होगा। एंड तीसरी बात, अगर एक स्टूडेंट बीमार है या बाकी भी केसेस रहेंगे तो ये सब चीज़ों में उनका एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपली बात बताई गई है कि अगर ये सब कंडीशन में आप जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन दिए गए है कि MKCL सेंटर ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे नॉलेज सेंटर जो रहते हैं अपने बराबर, तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पीसी लैपटॉप वगैरह नहीं है, प्रॉपरली इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो आप लोग ये MKCL सेंटर जाइए, वहाँ पे जाइए, आपको वो एलोकेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करने का, वहां जाके एग्जाम देने का है। तो कुछ इस तरह से एग्जाम पैटर्न के बारे में सोचा जा रहा है कि आपकी एमसीक्यू टाइप एग्जाम ली जाएगी, 50 मार्क्स के एग्जाम रहेगी, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। आप लोग के पास अगर फैसिलिटी नहीं है तो सेंटर में जाके आप लोग एग्जाम दे सकते हैं नॉलेज सेंटर पे। देन एट द सेम टाइम पे आप लोग का 50 मार्क का इंटरनल भी सोचा जा रहा है। तो अभी ये जो इंटरनल है वो कैसा रहेगा, तो जैसे मैंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, हर एक यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको मिल सकता है। इसमें आप लोग असाइनमेंट दे सकते हैं या 1-to-1 वाइवा भी लिया जा सकता है ऑन मोबाइल वगैरह, इसके बारे में एग्जैक्टली आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि ये जो टाइम टेबल वगैरह है, जैसे मैंने कहा कि 15 सितंबर से वगैरह चालू करने का, इस सब का बारे में 7 सितंबर को या 7 सितंबर से पहले या 7 सितंबर तक आपको क्या हो जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा, एग्जैक्टली टाइम टेबल आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये एग्जाम होगी और क्या रहेगी। नॉर्मली डिस्कशन तो इसी टॉपिक पे चालू है, वो मैंने आपको बताया है, कुछ इसी तरह से आपकी एग्जाम हो जाएगी। अभी रहा सवाल, ये एग्जाम अगर इतनी डिले है, क्योंकि आप सबको पता है ये इस एग्जाम के साथ साथ ही सब हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, आपको फर्दर स्टडी भी करने का है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, आप किसी को MCOM करने का रहेगा, MSc करने का रहेगा, MA करने का रहेगा, या बाकी भी कोई कोर्सेस करने के रहेंगे, तो उनका एडमिशन कब होगा और ये रिजल्ट कब निकलेंगे। तो यहाँ पे भी एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि एग्जाम के रिजल्ट भी फटाफट आउट हो जाएंगे, मतलब अक्टूबर महीने में ही आपके एग्जाम के रिजल्ट भी आउट हो जाएंगे, मतलब अक्टूबर के स्टार्टिंग में शायद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और एंडिंग तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब एकदम क्विक डिसीजन लिया जा रहा है और क्विक यहाँ पे सब काम किए जा रहे हैं, जिससे आपका रिजल्ट भी डिले ना हो और आप लोग का जो आगे का एडमिशन रहेगा या आगे के कोर्सेस रहेंगे, आगे का करियर रहेगा, उसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट ना आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात भी है कि आपके रिजल्ट जो है वो भी आपके अक्टूबर में मिल जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने आपको सब पैटर्न के बारे में बताया, डेट के बारे में, सितंबर से, 15 सितंबर से जैसे कहा कि ओरल चालू हो सकता है, अक्टूबर में आपका रिटर्न वगैरह जो कुछ पैटर्न डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। 7th of September को आपको एग्जैक्टली टाइम टेबल आपका पता चल जाएगा, यूनिवर्सिटी वाइज। देन एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है, आप लोग इस पैटर्न में एग्जाम लिख सकते हो। देन उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपका रिजल्ट भी अक्टूबर से पहले निकल कर आ सकता है। तो ये कुछ बहुत सारे आपके कंफ्यूजन थे कि कैसे होगा, क्या होगा, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं। वैसे भी आप न्यूज़ में वगैरह देखे रहोगे तो आज के डेट में ही
जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे उन्होंने ये सब पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ये सब बातें अच्छी तरह से समझ कर ले सकते हो। आई होप कि मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाले दिनों में मैं ये जो टाइम टेबल वगैरह है या एग्जाम एग्जैक्टली किस तरह से वर्किंग होगा उसके ऊपर वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।